हेलो फ्रेंड्स, शिवाक्षी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं 10 साल की बच्ची के लिए पटियाला सलवार। इसकी मेजरमेंट इस तरह से है, हमें बेल्ट रखनी है इसकी 6.5 इंच, हिप है 29 इंच, फुल लेंथ है हमारी 32 इंच, बॉटम रखना है हमें 5.5 इंच और क्राउचेट लेंथ है 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच, क्योंकि ये जो 9.5 इंच लिए हमने ये हिप का तीसरा हिस्सा लिया है इसलिए, तो ये 11 इंच आ रही है हमारी टोटल। और जो हमें पार्टों की लंबाई रखनी है वो रखनी है 27 इंच, क्योंकि उसमें से हम 32 इंच में से 5 इंच जो हमारी बेल्ट है उसका माइनस कर देंगे हम, तो ये आएगी 27 इंच प्लस इसमें 1 इंच ऐड करेंगे हम जो सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 28 इंच। अब इस हिसाब से हम कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है जो डबल एज का कपड़ा है हमारा, तो ये यहां से निकाल के हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए, हम यहां पर ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं अलग से, तो इस कपड़े को हम अलग कर देते हैं, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, यहां से हमने डबल फोल्ड लिया है ये। अब इसमें से हम पार्ट निकालते हैं, तो पार्टों की जो चौड़ाई है वो रखनी है हमें 8 इंच। हम 8 इंच यहां से पार्टों की चौड़ाई रखेंगे। ये देखिए, ये 8 इंच है, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, तो 8 और 8 यानी 16 इंच। अब हम यहां पर मार्क कर देते हैं, ये हमारे पार्ट कट जाएंगे यहां से। पहले हम पार्टों को काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट कट कर तैयार हो गए हैं हमारे। अब हम इसके लिए कली काटते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। अब कली के लिए ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है, ये डबल फोल्ड में कपड़ा है हमारा, इस पर यहां से यहां तक कले मार्क कर लेते हैं इस तरह से, त्रिकोण इस तरह मार्क कर लेंगे इसे। ये देखिए, ये हमने मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स, ये निशान लगा लिया है हमने यहां से यहां तक। अब हमारी जो बेल्ट थी, क्रोचेट एरिया था हमारा 11 इंच का, उसमें से 5 इंच हमने बेल्ट का काट दिया, तो हमारे पास बचा था 6 इंच, तो यहां से यहां तक हम 6 इंच नापेंगे इस तरह से और यहां मार्क कर देंगे और इस तरह से 6 इंच इधर नापेंगे। यहां पर अपना 6 इंच जा रहा है, ये देखिए। अब इस तरह से इन्हें कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास 4 कली आ गई हैं, 1 2 3 4, 4 तो कली आ गई हैं, और ये 2 पार्ट है हमारे पास। ये देखिए, 16 इंच के 2 पार्ट हैं और ये 4 कली हैं, तो एक पार्ट में हमें 2 कली ज्वाइंट करनी है, वो हम आपको बताएंगे किस तरह करनी है। उससे पहले हम ये बेल्ट निकाल लेते हैं। ये हमने हमारा हिप था 29 इंच, तो 29 इंच में 8 इंच प्लस किया और ये हमने बेल्ट तैयार कर ली। और इसकी जो चौड़ाई थी वो ली थी हमने 6.5 इंच, क्योंकि ये 1.5 इंच अंदर फोल्ड करने में जाएगा और 5 इंच ऊपर रहेगा हमारा। अब हमें कली इसमें इस तरह से ऐड करनी है। ये देखिए, हम एक पार्ट लेंगे पहले और एक पार्ट पर हमें 2 कली ज्वाइंट करनी है। ये देखिए, इस तरह से पार्ट को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से कली रखेंगे, एक इधर और एक कली रखनी है हमें इधर। ये देखिए, एक कली इस तरह से रखेंगे और यहां पर स्टिचिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद एक कली इधर रखेंगे और इसे स्टिचिंग कर लेंगे। पहले हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पार्ट जुड़कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे इस तरह से पार्ट और कली आपस में जुड़ गए हैं। अब हम इसके क्रॉचेट एरिया को जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम इस तरह से क्रॉचेट एरिया को जोड़ेंगे, एक पार्ट इसका लेंगे और एक पार्ट इसका लेंगे, इन्हें इस तरह से जोड़ देंगे और इन्हें इस तरह से जोड़ देंगे अंदर की साइड लेते हुए इस तरह। ये देखिए, इन पर पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, क्रॉचेट एरिया जोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे क्रॉचेट एरिया जुड़ गए हैं इस तरह से।
अब इस पर हम एक सिलाई ऊपर लगा देंगे डाब देते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पर क्रॉचेट एरिया पर पहले सिलाई लगा दी है, इन्हें जॉइंट कर लिया है, फिर ऊपर हमने यहाँ एक सिलाई लगा दी है डाब देते हुए। अब हम इसकी बेल्ट तैयार कर देते हैं। बेल्ट तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों को बीच में जॉइंट कर लेते हैं। फिर जॉइंट करने के बाद इसे आधा इंच इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक इंच डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। हम इसे पहले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें हमने एक इंच भीतर से खुला छोड़ दिया है, क्योंकि ये छोटे बच्चे की है तो हम इसमें लास्टिक डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंच इसे खुला रखा है नेफा को, यहां से हम इसमें लास्टिक इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें बैक पार्ट में दो प्लेट्स डालेंगे। एक प्लेट का मुंह हम इस तरफ करेंगे और एक प्लेट का मुंह करेंगे हम इस तरफ। ये हम ढाई ढाई इंच पे डाल रहे हैं, यहां से हम ढाई इंच मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, और यहां से भी हम ढाई इंच मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस प्लेट को उठा के इधर रखेंगे और इस प्लेट को उठा के इधर रख देंगे। ये ऊपर से हमें देखने में बॉक्स प्लेट की तरह लगेगी। ये देखिए, हम आपको आलपिन से सिक्योर करके बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से, और दूसरी प्लेट है वो इस तरह से। ये हमारी इस तरह से बॉक्स प्लेट्स की तरह आएंगी। इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ हमने बॉक्स प्लेट को यहाँ स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हम बेल्ट लेंगे। अब इस बेल्ट को बराबर करके और निशान लगाएंगे इस पर। ये हमने हाफ है, हाफ पर निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ एक कट यहाँ लगा देंगे, एक कट यहाँ लगा देंगे, फिर इसे एक बार फोल्ड करेंगे और जो जॉइंट है यहां पर भी हम एक कट लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे नापना है। ये जो बीच वाला कट था हमारा, बीच वाले कट को इस पर रखेंगे जॉइंट पर, और इस तरह से यहां आलपिन से सिक्योर कर देंगे इसे। ये देखिए, अब हमें करना क्या है कि हम ये पार्ट लेंगे और इसे नापेंगे, जो हमारा बेल्ट का पॉइंट आ रहा है यहां तक, फिर इसे यहां आलपिन से सिक्योर कर देंगे, और इसी तरह से हम इधर भी इसे आलपिन से सिक्योर कर देंगे। इसी तरह हम इधर भी जहां पर कट आ रहा है यहां तक इसे आलपिन लगा देते हैं, इस पर अटैच कर देते हैं इसे आलपिन से, और यहां पर एक स्टिच लगा देंगे। फिर अब ये जो पार्ट बच रहा है हमारा, जो इतना घेर बचा हुआ है हमारा, इस पर हम प्लेट्स डालेंगे, और वो प्लेट समय ये जो बेल्ट का हमारा आधा हिस्सा बच रहा है, इतनी प्लेट्स भरनी है हमें। अब इसमें हम प्लेट्स इस तरह डालेंगे। ये देखिए, ये आगे का जॉइंट है हमारा। आगे के जॉइंट से हमें जो प्लेट्स भरनी है वो जॉइंट की तरफ भरनी है। इधर की प्लेट्स हमें इधर भरनी है, और इधर से जो प्लेट्स लेंगे वो इधर भरनी है, इस तरह से। ये देखिए, ये हमने प्लेट्स उठाई, ये इधर कर दी, ये हमने आलपिन से सिक्योर कर लिया। फिर जो प्लेट्स है उन्हें उठाएंगे और इस तरह भर देंगे, या आप डेढ़ डेढ़ इंच की, दो दो इंच की अपने हिसाब से भर सकते हैं। घेरे को देख लीजिए आपके, कितना घेरा बचा हुआ है आपका, और बेल्ट के अकॉर्डिंग हम इस पर प्लेट्स भर लेंगे इस तरह से। ये प्लेट्स हम इस तरह भर लेंगे, और ये दूसरी तरफ की प्लेट्स है वो इस तरह भर लेंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी सलवार में प्लेट्स डाल ली हैं और यहां पर आलपिन लगाते गए हैं। अब हम हमारी बेल्ट को देखते हैं कि इसके बराबर है या नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। अब हम पहले इन प्लेट्स को सिलाई से सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमने इन प्लेट्स को सिलाई देके स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए हम इस बेल्ट को उल्टी रखेंगे और इस तरह से इसके अंदर इसे रखेंगे। ये देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। इस तरह से इसे पूरी बेल्ट को इसमें हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए,
मिड पॉइंट से सिला। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट इसमें अटैच होकर तैयार हो गई है और यहां पर हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। मोहरी बनाने के लिए हम कपड़ा लेते हैं, बुकरम लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मोहरी बनाने के लिए बुकरम ले लिया। ये 1.5 इंच चौड़ी बुकरम ली है हमने और 12 इंच इसकी लंबाई है। और ये कपड़ा कट कर लिया है, इसके लिए हमने 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 12 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए, अब हम बुकरम को इस तरह से रखेंगे और इसे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर। यहाँ दोनों स्ट्रिपों पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे। ये हमने पोंचा ले लिया है, ये हमारा सीधा पोंचा है। इस पर हम इस तरह स्ट्रिप को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस पट्टी को यहाँ पर जोड़ लिया है। अब इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करते हुए यहाँ किनारी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह ये दूसरी पट्टी है, इसे भी हम इस तरह अंदर देते हुए और यहाँ सिलाई लगा लेंगे किनारी किनारी पे। ये देखिए, हमने किनारे पर सिलाई लगा दी है पोंछे के यहाँ पर। अब हम इसमें यहाँ सिलाई लगाएंगे। जितनी भी आप चाहें, आप कोई डिजाइनिंग देना चाहें तो डिजाइनिंग दे सकते हैं, पर यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4 सिलाई इस तरह से लगाऊंगी। यहाँ सीधी सीधी सिलाई लगाने वाली हूँ मैं, यहाँ इस तरह से दोनों पोंछों पर हम इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों मोहरी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ मोहरी का नाप ले लेंगे। हमें रखनी है मोहरी 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर यहाँ मार्क कर देंगे और इसे इस तरह से तिरछा मिला देंगे इस तरह। इस तरह से तिरछा मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देंगे। ये देखिए, अब हम इस तरह से मोहरियों से ले जाते हुए यहां से और यहां पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहां मोहरी से सिलाई देते हुए और इस तरह क्रॉचेट एरिया में लेते हुए यहां तक सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे इसे। ये देखिए, हमने यहां से इस पे सिलाई लगा दी है पूरे पे वहां तक और इसमें हमने इलास्टिक डाल दिए। अभी हमारी सलवार बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बनाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।